यार पीछे आ जाओ, तुम सब पीछे आ जाओ, आज पीछे आ जाओ। सभी का धन्यवाद। आज संयुक्त मोर्चे की मीटिंग ढासा बॉर्डर के भी लोग वहाँ पर थे, टिगरी के भी लोग वहाँ पर थे, और जो किसान क्रांति गेट है गाजीपुर से ये लोग भी थे। आज सिंघू बॉर्डर पे हुई और अलग अलग टोल से भी लोग वहाँ पाए थे, काफ़ी बड़ी संख्या में लोग थे। वहाँ पर दो तीन महत्वपूर्ण निर्णय हुए। 22 तारीख की जो मीटिंग है संयुक्त मोर्चे की वो लखनऊ में होगी, ये भी वहाँ पे निर्णय हुआ, और उसकी भी तैयारी कर रहे हैं जगह का। उसका 10-11 तारीख में उसका फाइनल हो जाएगा, जगह कौन सी होगी। और फिर 26 तारीख को, क्योंकि एक साल हो जाएगा 26 तारीख को, तो उसका भी प्रोग्राम, सारे मोर्चों पर प्रोग्राम उसके होंगे 26 तारीख के, और अलग अलग राजधानी में उसके प्रोग्राम होंगे। उसमें उत्तर प्रदेश, हरियाणा, पंजाब और राजस्थान की राजधानी में नहीं होगा, दूसरे देश की पूरी राजधानियों पर भी उसके 26 तारीख को प्रोग्राम होंगे। उसके बाद में 29 तारीख का प्रोग्राम होगा, जो बॉर्डर खुले हुए हैं अभी, जो भारत सरकार ने कहा कि बॉर्डर खुल गए हैं, तो वो टिगरी बॉर्डर और किसान क्रांति गेट, ये यूपी गाजीपुर जो बॉर्डर है, तो इस पर 5-500 लोग उस दिन अपने ट्रैक्टरों के साथ में, करीब 25-30 ट्रैक्टरों के साथ में जाएंगे दिल्ली में। 500 लोग उसमें रहेंगे और उनका पूरा आइडेंटिटी उन लोगों की रहेगी कि कौन कौन वो लोग हैं, उनके कार्ड वार्ड सब बनाएंगे, यहाँ से देंगे उनको। और जहाँ पे भी पुलिस प्रशासन रोका, अगर बैरिगेटिंग में लगाएंगे तो वहीं बैठ जाएंगे, लेकिन बैरिगेटिंग लगाएंगे क्योंकि सरकार ने तो कहा कि खोल दिए, तो पहला जाने का अधिकार हमारा भी है, तो हम जाएंगे वहाँ पे, क्योंकि उसी दिन सेशन शुरू होगा, पार्लियामेंट सेशन उस दिन शुरू हो रहा है, तो वहाँ पे जाके बातचीत करेंगे अपना। पार्लियामेंट पे जाएंगे, जहाँ तक भी वे जाने देंगे वहाँ तक जाएंगे, पार्लियामेंट पे जाएंगे, रुकेंगे तो वहाँ रुकेंगे। तो ये प्रोग्राम अभी हैं अपने, जो टेंट वेंट फट गए ये होगा तो उसको चेंज करने का काम करेंगे, जब तक लोगों की गेहूँ की बुआई भी हो जाएगी, धान की जो काम चल रहा वो भी हो जाएगा, कुछ ढीला सा पड़ जाएगा वो भी, तो लोग अपना आने शुरू होंगे उसमें। तो ये दो तीन चीज़ों की आज वहाँ पे घोषणा हुई, उस बीच में और मीटिंग होगी किसी दिन होगी तो फिर वो मीटिंग बताएंगे। तो ये दो महत्वपूर्ण मीटिंग है, 26 तारीख को पूरे देश की राजधानी, सिर्फ 4 स्टेट छोड़ के, राजस्थान, पंजाब, हरियाणा और उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, ये 5 स्टेट छूटेंगे। यहाँ पे जहाँ मोर्चे लगे हुए हैं यहाँ पे लोग आएंगे, इकट्ठे होंगे लोग, ज़्यादा भीड़ दी के बहुत भीड़ उस तरह की आएंगी कि एकदम से पूरी कोल दे दी ना, जितने लोग आ सकते हैं वे लोग आएंगे, मीटिंग होगी और फिर रूटीन में लोग आते रहेंगे। और फिर जो 29 तारीख को जो लोग आएंगे वे, या तो वही लोग रहेंगे जो 26 में आ जाएंगे, वही वहाँ पर चलेंगे, तो वे करीब 500 लोग होंगे, उनके पूरे आइडेंटिटी कार्ड उनके बनेंगे, वे ट्रैक्टरों के द्वारा जो रास्ते खोले गए उन्हीं रास्तों से दिल्ली में अंदर जाएंगे। यह है, इन पर सब लोग अपना ध्यान रखें। और लखनऊ वाली मीटिंग भी 22 तारीख की है, उस पर भी अपना ध्यान रखें, कई बड़ी मीटिंग हो जाएगी, बीच में गंगा स्नान भी रहेगा, लोग वहाँ पे भी ज़्यादा जाएंगे, लेकिन गंगा स्नान 19 तारीख तक है, उसके बाद में फ्री हो जाएंगे। 7-8 दिन लोग 11-12 तारीख से जाने शुरू हो जाएंगे गंगा स्नान पे भी, और वे 20 तारीख तक वापसी आएंगे। तो ये कई प्रोग्राम रहेंगे, सर्दी भी शुरू होगी, और जो लोग भी यहाँ पर, आप अपना कपड़ा का ध्यान रखें, कपड़े ज़रूर लेकर आएँ, अपनी चद्दर कंबल वो लेकर जरूर यहाँ पर मोर्चों पर आएँ। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। If you like our channel, please subscribe, and to get notifications about news, please click the bell icon.